करते उत्तरकाशी की टनल रेस्क्यू का आज नौवां दिन है। भास्कर कुलबे मौके पर मौजूद हैं, पीएमओ के पूर्व सलाहकार हैं भास्कर कुलबे। पीएमओ के उप सचिव मंगेश गड़ियाल भी मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू टीम से पीएमओ अफसरों ने पूरी रिपोर्ट मांगी है, शाम तक रेस्क्यू की प्रगति की जानकारी भी मांगी गई है। आरबीएनएल, ओएनजीसी, पीडब्ल्यूडी, बीआरओ से ये पूरी रिपोर्ट मांगी गई है क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद हैं। लेकिन अब पीएमओ की तरफ से यहाँ अधिकारी पहुंचे हैं जो लगातार नजर बनाए हुए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पर, क्योंकि नौवा दिन आज है और अब किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या कुछ उस पर प्रगति रिपोर्ट है, इसकी जानकारी ली है। आपको बताएं कि भास्कर कुलबे मौके पर मौजूद हैं, तस्वीरें भी ये देखिए सामने आई है। पीएमओ के पूर्व सलाहकार हैं भास्कर कुलबे, पीएमओ के उप सचिव मंगेश गिड़ियाल भी मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू टीमों से पीएमओ अफसर रिपोर्ट ले रहे हैं, शाम तक रेस्क्यू की प्रगति की पूरी जानकारी मांगी गई है। जानकारी मांगी गई है इन तमाम एक्सपर्ट्स की टीम के साथ जो मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है जिसमें आरबीएनएल है, ओएनजीसी है, पीडब्ल्यूडी है, बीआरओ से ये पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। तो आपको बताएं 9 दिन हो चुके हैं, आज नौवा दिन है लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। तमाम विकल्पों पर लगातार विचार किया जा रहा है लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज कुछ अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो जानकारी ले ही रहे हैं। रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, क्या अपडेट है फिलहाल? दीपाली, बड़ा अपडेट ये है कि लगातार और रेस्क्यू ऑपरेशन आज नौवें दिन भी जारी है और जिस तरह से टनल के ऊपर जो पैच बनाने का काम चल रहा था, रास्ता बनाने का, बीआरओ ने उस रास्ते बनाने के काम को पूरा कर लिया है। एक इसे कहें कि बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा सकता है क्योंकि रास्ता उन पेड़ के बीच से और काफी टनल के हाइट के पर था, तो ऐसे में एक काम पूरा हुआ है। दूसरा, लगातार NHIDCL जो टनल के अंदर में मलबे में पाइप डालने का काम चल रहा था उसके जरिए वो काम चल रहा है और अभी 4 इंच की पाइप से जो ड्राई फ्रूट्स और साथ में मेडिसिन मजदूरों को सप्लाई की जाती थी, अब उसको 6 इंच की पाइप के लिए ड्रिल किया जा रहा है जिसमें से ये बताया गया कि 40 मीटर पाइप को ड्रिल करके उस मलबे में डाला जा चुका है। तो दूसरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन का पार्ट चल रहा है और इसी तरह से जो 3 फीट चौड़ी और 6 मीटर लंबी पाइप को ड्रिल करने का काम चल रहा था ऑगर मशीन का, उसको भी चलाया जा रहा है। तो कोशिश इस तरह से लगातार हो रही है। SGBNL जो एजेंसी है वो ऊपर से टनल के ड्रिल करेगी, उसकी जो मशीनें हैं उड़ीसा और गुजरात से ट्रेन के जरिए मंगाई जा रही हैं। इसी तरह से RBNL और ONGC THDC जैसी जो एजेंसी है वो भी काम कर रही है। ये भी प्लानिंग की गई है कि टनल का जो बैक का पार्ट है उस साइड से 480 मीटर से ड्रिल किया जाए ताकि सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। हर एंगल से फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है और ऐसे में यही कह सकते हैं कि कौन सा ऑपरेशन कब और कितने टाइम पर सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, ये देखना होगा। सबकी नजरें इसी ऑपरेशन पर लगी हुई है। जी बिल्कुल। और रामानुज, यहाँ पर पीएमओ के भी अधिकारी पहुंचे, उन्होंने भी तमाम अपडेट्स लिए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े। अंडर सेक्रेटरी मंगेश गिड़ियाल और इसके बाद में भास्कर कुलबे लगातार यहां पर कैंप किए हुए थे, उन्होंने अधिकारियों के साथ में मीटिंग की और इस बात की चर्चा हुई कि ऑपरेशन को और कैसे फास्ट किया जा सकता है और न केवल फास्ट, कहते हैं कि फास्टेस्ट सबसे तेज कैसे चलाया जा सकता है, उसके ऊपर लगातार चर्चा हो रही है। नजर बनाए रखिए रामानुज, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो उत्तरकाशी में ये ऑपरेशन लगातार जारी है, नए सिरे से लगातार काम किया जा रहा है, सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आज इस ऑपरेशन का नौवां दिन है और अब तक मजदूरों को बाहर निकालने में कोई कामयाबी नहीं मिली है। वहीं अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी भरोसा जो जताया है उससे जल्द कामयाबी की उम्मीद जगी है। 41 मजदूरों को बचाने के लिए नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। नौ दिन बाद हम होंगे कामयाब। नौ दिन हुए पूरे,
रेस्क्यू प्लान क्यों अधूरे? नौ दिन 41 मजदूर खुली हवा से दूर। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल के भीतर 41 मजदूरों को फंसे हुए आज 9 दिन पूरे हो चुके हैं। इन मजदूरों को निकालने के लिए अब तक जो भी प्लान और ऑपरेशन किए गए वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी चुनौती उस मलबे से निपटने की है जो रुक रुक कर सुरंग के भीतर गिर रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पुरानी मशीनों के साथ साथ अब नई मशीनों से भी ड्रिलिंग के काम को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन अब तक वो कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है जिसके लिए यहां पर सैकड़ों लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं पूरे देश की निगाहें इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हैं। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी सुरंग में कैद मजदूरों ने अपना हौसला नहीं छोड़ा है। क्या बोल रहे थे? वो लगातार इसी उम्मीद से सुरंग के अंदर बैठे हैं कि जल्दी ही उन्हें बाहर निकाला जाएगा। वहीं अब एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ साथ सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इसके अलावा दुनिया के कई एक्सपर्ट से भी लगातार सलाह ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जाए। वहीं अब रेस्क्यू ऑपरेशन का मोर्चा मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने संभाल लिया है। नितिन गडकरी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के साथ हादसे वाली जगह पर पहुंचे। इस दौरान गडकरी ने अगले 2 से 3 दिनों के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा होने की उम्मीद जाहिर की। इस आपदा का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाएं, उनको बाहर निकालें। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह साफ किया कि हिमालय की मिट्टी कहीं चट्टानों से भरी है तो कहीं मिट्टी ही मिट्टी है, लिहाजा अब तक ऑपरेशन को पूरा नहीं किया जा सका है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की परेशानियां आ रही हैं, लेकिन इसके बाद भी टनल में फंसे मजदूरों तक खाने पीने समेत सभी जरूरी चीजों को समय पर पहुंचाया जा रहा है। मुख्य बात आती है खाने की, तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक पाइपलाइन है 4 इंच की जिसका कंप्रेसर है, तो उसके थ्रू चना मुरमुरा ड्राई फ्रूट्स जो भेजे जा सकते 4 इंच की पाइपलाइन में, मेडिसिन विटामिन सी विटामिन डी एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिकल एडवाइस है उसको हम लोग लगातार भेज रहे हैं। नितिन गडकरी ने अब तक हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी को लेकर उन तमाम अफसरों के साथ मीटिंग की जो इसमें शामिल है। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली जिसमें मजदूरों को निकालने के लिए किए जा रहे सभी कामों पर अधिकारियों से बातचीत की गई। नितिन गडकरी ने बताया कि इस काम के लिए 6 वैकल्पिक उपायों पर कई एजेंसियां काम कर रही हैं और फंसे हुए लोगों को निकालना सर्वोच्च प्राथमिकता है। वर्टिकल भी 3 प्रकार के प्रयास है, उसके भी हम कर रहे हैं। हमने कोई प्रयास ऐसा नहीं रखा कि जो हमको नहीं कर सकते। हमने सब प्रकार के प्रयास किए। पहली प्रायोरिटी है उनकी जान बचाना और जल्द से जल्द उनको बाहर निकालना। उत्तराखंड के सीएम धामी भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के लिए सभी विकल्पों पर तेजी से काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द कामयाब हो सकता है। हमारा सबका यही होना चाहिए कि अभी भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे सभी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं 6 प्रकार के, उनमें से कोई भी रास्ता पहले से पहले सफल हो और वो लोग बाहर आए। इन तमाम प्लान के लिए सुरंग विशेषज्ञों और दुनिया के कई देशों के एक्सपर्ट्स के साथ भारत सरकार लगातार संपर्क में है। साथ ही बीआरओ के अफसरों